हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मेगा माइंड मेंटर मेरा नाम हनी है और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज वन बी के क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर सेवन को कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन कहते हैं यूज करेंगे सो लेट एस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में आपको इन दोनों टर्म्स में माइनस एट दिख रहा होगा फर्स्ट टर्म में भी माइनस एट है सेकेंड टर्म में भी माइनस एट है तो हम यहाँ से माइनस एट को कॉमनली बाहर निकाल लेंगे सो माइनस एट इज आउटसाइड और आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्योंकि आपने यहां से माइनस एट रिमूव कर दिया है कॉमनली यहाँ लिख लिया है तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास सिर्फ क्या बचेगा नाइन बचेगा फर्स्ट टर्म में से देन फॉलोड बाई प्लस साइन ये जो माइनस एट है ये भी कॉमनली बाहर आ चुका है विच इज हियर तो हमारे पास सेकेंड टर्म में से क्या बचा सिर्फ सेवन नेक्स्ट स्टेप में माइनस एट मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 plus 7 के sum के सम साथ सो नेक्स्ट स्टेप में आप सिर्फ नंबर्स नंबर और एट को मल्टीप्लाई करेंगे सो ऑन मल्टीप्लाइंग सिक्सटीन एंड एट वी गेट हियर वन ट्वेंटी एट तो आप यहाँ पे वन ट्वेंटी एट लिख दीजिए एंड फाइनली इट इज टाइम टू पुट द साइन तो साइन आप यहाँ पर कैसे पुट करेंगे एक number negative है, एक नंबर नंबर नेगेटिव है 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 आपका पॉजिटिव इंटीजर तो हमें पता माइनस और प्लस मिलकर के माइनस बन जाते हैं तो आपका फाइनल साइन क्या हो गया माइनस का जो आपके आंसर में भी रहेगा सो योर आंसर इज माइनस वन ट्वेंटी एट इसी तरह से हम बाकी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर टू में ये है आपका फर्स्ट टर्म और यह है आपका सेकेंड टर्म राइट फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में नाइन कॉमन है तो हमने क्या किया नाइन को कॉमनली बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा नाइन चला गया तो माइनस थर्टीन फॉलोड बाई दिस प्लस साइन फिर ये नाइन बाहर जा चुका है बचा सिर्फ क्या माइनस सेवन तो आपके ब्रैकेट के अंदर माइनस थर्टीन और माइनस सेवन रहेंगे नाउ लेट अस फर्स्ट सिंप्लीफाई द ब्रैकेट तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस थर्टीन प्लस माइनस बिकम्स माइनस तो यहाँ पे माइनस सेवन हो गया और अगले स्टेप में 9 इन जब दोनों नंबर्स नेगेटिव होते हैं मतलब माइनस माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाता है अल्टीमेटली प्लस हो जाता है तो so, आप क्या करेंगे थर्टीन में सेवन को ऐड कर देंगे यू आर गोइंग टू गेट हियर ट्वेंटी जैसे आपको यहाँ पे नंबर ट्वेंटी मिलता है अब इसके बाद हमको यहाँ पे इसका फाइनल साइन पुट करना है तो थर्टीन और सेवन में से थर्टीन बड़ा है और थर्टीन के पास कौन सा साइन है माइनस का साइन है इसका मतलब आपके आंसर में भी क्या होगा माइनस का साइन होगा इसलिए यहाँ पे ट्वेंटी के साथ माइनस का साइन है नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे यू आर सिंपली गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू टू so ट्वेंटी कितना हो जाएगा वन हंड्रेड एंड एटी नाइन पॉजिटिव है ट्वेंटी नेगेटिव है तो प्लस माइनस इज माइनस तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा माइनस वन हंड्रेड एंड एटी क्वेश्चन नंबर थ्री में भी ये आपका फर्स्ट टर्म है और प्लस के बाद आपका ये सेकेंड टर्म है तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म में ट्वेंटी दोनों जगह पर है मतलब हम क्या करेंगे वी आर गोइंग टू टेक आउट ट्वेंटी कॉमन तो ट्वेंटी कॉमन आ गया ट्वेंटी जब बाहर गया फर्स्ट टर्म में से तो बचा सिर्फ क्या माइनस सिक्सटीन फॉलोड बाई प्लस साइन जब ट्वेंटी सेकेंड टर्म में से चला गया तो बचा सिर्फ फोर्टीन तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे फोर्टीन अब अगले स्टेप में हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्वेंटी अपनी प्लेस में है माइनस प्लस इज माइनस तो आप क्या करेंगे 16 में से 14 को माइनस करेंगे सब करेंगे तो आपको 2 मिलेगा सो 2 यहाँ आ गया 16 और 14 में से 16 बड़ा है 16 लार्जर नंबर है और 16 के पास माइनस का साइन है तो आपके आंसर में भी क्या हो जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा और अगले स्टेप में आप 20 इंटू टू करो बिकॉज आपको मल्टीप्लाई करना है सो ट्वेंटी टूस आर फोर्टी ट्वेंटी पॉजिटिव है टू नेगेटिव है तो प्लस माइनस इज माइनस तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा माइनस फोर्टी क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कॉमन दिख रहा है दोनों टर्म्स में से तो ये आपका पहला टर्म है यहाँ से यहां तक और प्लस के बाद ये आपका दूसरा टर्म है इन दोनों टर्म्स में माइनस सिक्सटीन है माइनस सिक्सटीन बाहर निकालना है कॉमन लेना है माइनस सिक्सटीन इन टू ब्रैकेट्स के अंदर फर्स्ट टर्म में से सिर्फ माइनस फिफ्टीन आ जाएगा फॉलोड बाई दिस प्लस साइन ये माइनस सिक्सटीन तो चला गया है बाहर तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा माइनस फाइव ब्रैकेट्स के अंदर अब आप ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करिए माइनस फिफ्टीन प्लस माइनस इज माइनस फाइव ब्रैकेट क्लोज माइनस सिक्सटीन इन टू माइनस और माइनस प्लस होता है तो हम क्या करेंगे फिफ्टीन और फाइव को एड करेंगे एड करने पे आ जाएगा ट्वेंटी और साइन कौन सा लगेगा फिफ्टीन का साइन लगेगा राइट right? क्योंकि फिफ्टीन बड़ा है फाइव से तो फिफ्टीन के पास माइनस का साइन है मतलब आपके पूरे मेन आंसर मतलब आपके फाइनल आंसर में क्या होगा माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ट्वेंटी और लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे 16 और 20 को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट मल्टीप्लाई नंबर्स तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी तो आप पहले यहाँ पे थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी लिख लीजिए एंड नाउ फाइनलाइज द साइन तो यहाँ पे दोनों इंटीजर्स 16 भी नेगेटिव इंटीजर है ट्वेंटी भी नेगेटिव इंटीजर है और हमको पता है ना माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है तो आपका जो आंसर रहेगा वो भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में ये आपका पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है इन दोनों टर्म्स में माइनस इलेवन दोनों जगह पर है तो हम क्या करेंगे माइनस इलेवन को कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा माइनस फिफ्टीन रहेगा फॉलोड बाई प्लस साइन ब्रैकेट माइनस ट्वेंटी फाइव करेक्ट थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो ब्रैकेट्स को माइनस इलेवन इन टू ब्रैकेट माइनस फिफ्टीन प्लस माइनस बिकम्स माइनस तो ये माइनस ट्वेंटी फाइव हो गया ब्रैकेट क्लोज माइनस इलेवन इन टू माइनस माइनस तो आप क्या करेंगे ट्वेंटी फाइव को एड करेंगे है ना क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हुआ एडिशन करना है एडिशन करने पे आपको यहाँ पे फोर्टी मिलेगा तो आपको यहाँ पे नंबर मिल गया फोर्टी अब साइन कौन सा पुट करना है तो साइन आपका जाएगा

सेकेंड टर्म है इन दोनों टर्म्स में दोनों प्लेसेस पे माइनस ट्वेल्व है तो माइनस ट्वेल्व कॉमन ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा टेन प्लस फाइव नेक्स्ट स्टेप में माइनस ट्वेल्व अपनी प्लेस पे ब्रैकेट को सॉल्व करने पे फिफ्टीन आ जाएगा एंड नाउ लेट अस सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर्स तो ट्वेल्व इंटू फिफ्टीन करना है सो ट्वेल्व इंटू फिफ्टीन विल गिव अस वन हंड्रेड एंड एटी और अब साइन कौन सा लगेगा माइनस और ये प्लस है तो माइनस प्लस इज माइनस तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा माइनस वन हंड्रेड एंड एटी अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म इन दोनों टर्म्स में से माइनस एट दोनों प्लेसेस पे है यहां भी है यहां भी है तो माइनस एट कॉमन ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या रहेगा माइनस सिक्सटीन के बाद ये प्लस का साइन फिर माइनस फोर और ये माइनस एट तो बाहर आ चुका है सो ब्रैकेट क्लोज ना अब हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे सो माइनस एट इन टू ब्रैकेट माइनस सिक्सटीन प्लस माइनस इज माइनस फोर ब्रैकेट क्लोज माइनस एट इन टू माइनस माइनस इज प्लस तो सिक्सटीन प्लस फोर करना है यू विल गेट हियर ट्वेंटी सिक्सटीन और फोर में से सिक्सटीन इज ग्रेटर देन फोर तो सिक्सटीन के पास कौन सा साइन है यहाँ पे माइनस का साइन है इसका मतलब आपके आंसर में भी क्या होगा माइनस का साइन होगा तो माइनस ट्वेंटी यहाँ पर आ जाएगा और फाइनली आप पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करो सो ट्वेंटी मल्टीप्लाई होगा एट के साथ तो आपको वन सिक्सटी मिल जाएगा सो यू गेट हियर वन सिक्सटी एंड माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस तो आपका फाइनल आंसर भी क्या होगा पॉजिटिव होगा कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ विच इज क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है इन दोनों टर्म्स में माइनस ट्वेंटी सिक्स दोनों प्लेसेस पे है तो माइनस ट्वेंटी सिक्स यहां है और यहाँ पर है सो माइनस ट्वेंटी सिक्स इज कॉमनली आउट एंड इन साइड द ब्रैकेट यू हैव सेवेंटी टू प्लस ट्वेंटी एट नाउ -26 ट्वेंटी सिक्स और 28 को सिंपली क्या करना है एड करना है सो वेन यू एड दिस यू गेट हियर हंड्रेड राइट तो आप यहाँ पे हंड्रेड लिख दीजिए एंड नाउ माइनस ट्वेंटी जीरो जीरो क्वेश्चन नंबर सेवन में अब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में माइनस सिक्स इंटू हाउ मच विल गिव यू पॉजिटिव सिक्स इट इज वेरी क्लियर कि आपको यहाँ पे इसे किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और वो नेगेटिव नंबर क्या हो सकता है माइनस वन माइनस माइनस एंड माइनस अल्टीमेटली प्लस हो जाएंगे राइट इट पॉजिटिव तो आपके पास सिर्फ सिक्स रहेगा एंड दैट इज वॉट वी वॉन्ट क्वेश्चन नंबर टू में माइनस एटीन के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना है जिससे आपका प्रोडक्ट सेम आए उसमें कोई चेंजेस ना आए तो यहाँ पे आप सिर्फ उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे वन से नेक्स्ट इज माइनस एट इंटू माइनस नाइन इज इक्वल इंटू माइनस एट तो मिसिंग टर्म क्या था माइनस एट था और ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन है कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर सेवन इंटू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री इंटू सेवन क्योंकि सेवन मिसिंग था अगेन सेम थिंग कम्यूटेटिव लॉ क्वेश्चन नंबर फाइव माइनस फाइव इन थ्री पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए ब्रैकेट्स में है और फिर इसके प्रोडक्ट को माइनस सिक्स के साथ लाइकवाइज यहां पे कौन सा मिसिंग टर्म है तो थ्री है माइनस सिक्स है तो मिसिंग टर्म क्या है माइनस फाइव है एंड दिस इज एसोसिएटिव लॉ क्वेश्चन नंबर सिक्स में आप माइनस फाइव में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो जीरो हो जाएगा तो ये तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है इट मीन्स आपको सिर्फ इसे जीरो से मल्टीप्लाई करना है आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल इस वीडियो के पार्ट थ्री में हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो स्टे टून्ड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग